नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन उससे पहले ही नई संसद में जो संविधान की कॉपी मिली है उसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ने ये आरोप लगाया है कि नई संसद में जो संविधान की कॉपी मिली है उसमें बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द है उसे हटा दिया गया है, यानी धर्म निरपेक्ष और जो सोशलिस्ट शब्द है वो संविधान की कॉपी में नहीं है जो नई संसद भवन में मिली है। कांग्रेस और टीएमसी के आरोपों पर हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया है और ये कहा है कि ये ओरिजिनल संविधान है। तो कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया और कहा कि हमें जो संविधान की कॉपी दी गई है जिसे लेकर हम सदन में गए उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं है। अधीर रंजन ने साथ ही ये भी कहा कि आज की तारीख में अगर संविधान में ये दो शब्द नहीं रहेंगे तो ये बड़ी चिंता की बात है। अगर ऐसा है तो ये भारत के अल्पसंख्यकों के लिए खतरे की घंटी है। क्या कुछ अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरे मामले पर कहा? आज हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये बात, ये शब्द नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोशलिस्ट सेकुलर सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। हम जानते हैं कि ये दोनों शब्द शामिल हुई थी 1976 में अमेंडमेंट की बात। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों की जिक्र ना रहे तो ये बड़े गहन, बड़े दुश्चिंता की बात है। ये मैं आज राहुल जी को दिखाते थे, उस समय बड़े सुरती के साथ ये काम किए गए। अगर आप कुछ बोलने के कोशिश करोगे तो कहेगी कि शुरू में तो यही था, जो शुरू में था वही दे रहे हैं, लेकिन अंदर की मनसा अलग है, इरादा में खोट है। तो मैं सबसे डरे हुए हैं, मैं उससे ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि संविधान जो दिए गए हैं उसमें बड़े चालाकी के साथ सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्दों को हटा दिए गए। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये बड़ा चिंताजनक मुद्दा है मेरे लिए। तो सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद और यहां तक कि सोनिया गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि प्रस्तावना में ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था और सांसदों को जो संविधान की प्रतियां दी गई उसमें दरअसल जो ये दो शब्द हैं ये नहीं है, ये भी सोनिया गांधी की ओर से कहा गया है और सरकार पर हमला बोला गया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि टीएमसी भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी की जो सांसद हैं डोला सेन, उनकी तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि नए संसद में जो संविधान की कॉपी मिली है उसमें बदलाव किया गया है, कॉपी से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया गया है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उससे पहले सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बाद डोला सेन ने यह भी कहा कि दरअसल जो संविधान की कॉपी मिली है उससे ये दो शब्द गायब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा सवाल ये है कि बिना किसी चर्चा के ये बदलाव कैसे किया गया, टीएमसी इसका विरोध करेगी, ये सरकार संविधान विरोधी है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल करते हुए कहा था कि संविधान की जो नई कॉपियां मिली हैं
दरअसल उसमें ये दो शब्द नहीं हैं, ये उनकी तरफ से भी कहा गया था। और आपको ये बताते हैं कि नए संसद भवन में बकायदा जो अधीररंजन चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो दरअसल इस कॉपी को लेकर पहुंचे थे और तमाम जो सांसद थे वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन डोला सेन ने यह भी कहा कि हमने राहुल गांधी को इस बारे में बताया है, हमने दिखाया है कि संविधान के साथ फेरबदल किया जा रहा है, संविधान को एक सोची समझी साजिश के तहत बदला जा रहा है। ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार सांसदों की तरफ से कही जा रही है। हालांकि जो आरोप लगातार कांग्रेस और टीएमसी की ओर से लगाया जा रहा है, बीजेपी उसका जवाब दे रही है। ये उनका कहना है कि ये ओरिजिनल संविधान की कॉपी है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने यह कहा कि संविधान की जो असली कॉपी है वो दी गई है और इस पर कल जवाब भी दिया जा चुका है। वहीं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी यह कहा कि यह मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, बीजेपी को संविधान में अटूट भरोसा है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से संसद का यह विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें कई बिल पास हो रहे हैं, उससे जो है विपक्ष पूरा घबराया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष की जो रणनीति थी कहीं ना कहीं मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये विशेष सत्र बुलाया गया है नई संसद भवन में। अब इस विशेष सत्र का जो है आयोजन किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इससे विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस टीएमसी जो पार्टियां हैं वो घबराई हुई हैं और ये तय माना जा रहा है कि यही वजह है कि अब संविधान को लेकर इस तरीके का बवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने छेड़ दिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वाकई जो संविधान की कॉपी दी गई है उसमें समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द, यानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, तो क्या वाकई उस संविधान की कॉपी में ये शब्द नहीं है, ये लगातार सवाल अब बना हुआ है। लेकिन इतना तय है कि अब से पहले जो संसद का सत्र हुआ है, फिर चाहे बात मॉनसून सत्र की जाए, फिर चाहे बात शीतकालीन सत्र की जाए, तो लगातार ये देखने को मिला है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कोई मुद्दा उठाती है और उस मुद्दों को लेकर ही वो लगातार संसद की कार्यवाही बाधित करती है, ताकि बिल पास ना हो पाए, संसद में कार्यवाही ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से, इस INDIA गठबंधन की ओर से चला गया है। तो यही वजह है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दरअसल नई संसद में जो संविधान की कॉपी मिली है उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और टीएमसी हमलावर है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि ये जो संविधान की कॉपी दी गई है ये ओरिजिनल है और ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष ऐसा कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।